ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 24 बाइट सर्वेट लॉ के ऊपर और एम्पियर सर्कुलर लॉ के ऊपर शीट है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर ऐसे की बजाय ऐसा है, फोल्ड कर दिया, एक स्क्वायर था, स्क्वायर इस जो वायर है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। आपको ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओ पॉइंट पर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बी की वैल्यू ओ पॉइंट पर क्या होगी ये आपको निकालना है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इसके दो ऑप्शन ऊपर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट हो सकते हैं, देख के बताएं। इसमें जो दो ऑप्शन हैं ए एंड बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और ऐसा क्यों? तो बिना सॉल्व किए देखो, ये ना डायग्राम ऐसा है, देख रहे हो, ये स्क्वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है इसकी बाउंड्री में, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, मेरी तरफ। यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऊपर की तरफ। तो इस तरफ का मतलब कौन सा कैप है, आई कैप, ऊपर का मतलब कौन सा कैप है, जे कैप। तो आंसर आई कैप प्लस जे कैप में होगा, माइनस में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, माइनस आ रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो ना, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ये लो मेरी तरफ है, और यहाँ से करंट नीचे से घूम के ऐसे आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, तो यानी कि जे कैप भी है और आई कैप भी है। तो आंसर नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहला पॉइंट है। दूसरा, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये सपोज, चलो मान लिया ये आपके पास फिगर है, आपको भी कहाँ निकालना है, यहाँ पे निकालना है, इसके सेंटर पे। चलो पहले ये वाला फेस लेते हैं, आपको मान लो भी यहाँ निकालना है, ऐसे है ना डायग्राम, पहले ये फेस लेते हैं। तो ये वायर है जिसमें करंट है, आपको भी कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, जहाँ मेरा थंब है यहाँ निकालना है। तो इमेजिन करो, अगर ये नीचे वाली वायर है, ओ सॉरी नीचे वायर नहीं है, ये वायर है, तो अगर ये वायर है, इस वायर के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर ये स्क्वायर की जो साइड थी ये एल थी, तो आधी कितनी है, एल बाई टू। ये स्क्वायर ऐसा था ना, तो स्क्वायर एल बाई एल का स्क्वायर है, तो ये कितना है, एल बाई टू। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू। तो यहाँ पे आपको बी निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू। इस कोने का एंगल क्या बनेगा, 45। इस कोने का एंगल क्या बनेगा, 45, स्क्वायर है। तो इस वायर का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई एल बाई टू, साइन 45 प्लस साइन 45। तो एक आंसर आ गया। इस वायर के लिए, ये वायर देख रहे हो, इस वायर के लिए ये पॉइंट है, एक एंगल क्या बन गया, 0, और एक क्या बनेगा, 45। तो एक एंगल 0, एक 45, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल बाई टू, साइन 0 प्लस साइन 45। इस वायर के लिए भी सेम 0 और 45, इसके लिए 0 45, इसके लिए 45 45, इसके लिए 0 45, तीनों के तीनों ऐड कर देना, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग बी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आंसर इस लूप के लिए आएगा वही आंसर इस लूप के लिए आएगा, तो यहाँ से पता लग जाएगा कौन सा आंसर आपको मार्क करना है। तो मैंने किया नहीं, पर आइडिया समझ में आ रहा है करना क्या है, लंबा क्वेश्चन है। पहले इस वायर का निकलेगा एंगल 0 और 45, इस वायर का निकलेगा 45 45, फिर इस वायर का निकलेगा 0 और 45, फिर आप फॉर्मूला साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 लगाना और तीनों को ऐड करना, बी की वैल्यू आएगी एक्स के लॉन्ग, और वही वैल्यू आएगी बी के लॉन्ग, वैल्यू बराबर आएगी एक्स में और वाई में, और फिर ऐड करके आपका आंसर आएगा। तो अगर तरीका बता रहा हूँ, आप घर जाके इसको ट्राई करना। हाँ, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा कैसे, इस क्वेश्चन के अंदर ये इनफाइनाइट वायर है, ऊपर और नीचे आपको बी कहाँ निकालना है, एट पॉइंट ओ निकालना है। तो ओ पॉइंट पे बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वायर की वजह से ओ पे बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 0, क्योंकि ये ओ पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इस वायर की वजह से भी ओ का कॉन्ट्रीब्यूशन 0। अब इसकी बात करते हैं, इसके लिए एक एंगल 0 और एक एंगल 90, इसके लिए भी एक एंगल 0 एक एंगल 90, तो साइन 0 प्लस साइन 90 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लगा लेंगे फॉर्मूला। डायरेक्शन की बात करें, इसमें करंट नीचे है तो बी कैसे है, बाहर। इसमें करंट ऊपर है तो बी कैसे है, फिर से बाहर, ओ पॉइंट पर बाहर, बाहर और बाहर, आउटसाइड आउटसाइड ऐड होके नेट बी की वैल्यू आउटसाइड आ जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है, इसमें
जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन को एक बार देखें कैसे करना है। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है आपको, एक वायर है ठीक है, ये एक वायर है, यहां से स्टार्ट हुई वायर और ये वायर है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये एक वायर है जिसमें इन्फिनिटी से करंट आ रहा है आई, और यहां पे करंट जा रहा है इन्फिनिटी पे आई। ये टोटल एंगल इस क्वेश्चन में कितना के बने, थीटा। थीटा एक लाइन बिल्कुल इसके बीच में से ऐसे पास हो रही है। आपको बी कहां निकालना है, आपको बी मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट ओ यहां पे निकालना है ठीक है। तो अगर आपको ओ पॉइंट पे बी की वैल्यू निकालनी है तो रूल क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऐसे ठीक है। ये वायर है, इस वायर का एक एंगल ये बनेगा, और एक एंगल तो बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा एंगल क्या बनेगा इसमें, फाइव टू नाइनटी, क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये स्ट्रेट वायर एक एंड से फाइनाइट है, एक से इनफाइनाइट है, तो एक एंगल तो 90 बनेगा। दूसरा बना लेते हैं, दूसरा एंगल क्या बनेगा, 51। बोलो 51 क्या बनेगा, ये 90 है, ये कितने, आधा कितना है, थीटा बाय 2, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि 180 में से ये दोनों माइनस होंगे तो ये आंसर आएगा, तो 51 52 आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ओ पॉइंट का, ये डिस्टेंस आर गिवन है, पर आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए एक्स, आपको तो ये चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय एक्स करना पड़ेगा इनटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2, और दूसरा एंगल क्या पुट करना पड़ेगा इसमें, 90 ऐसे, तो एक एंगल 51 एक एंगल 52, 52 90 है और 51 की जगह 90 माइनस थीटा बाय 2। एक्स की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से निकलेगी, कैसे, साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा बाय 2। आप एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा बाय 2। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2 क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा बाय 2, और साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1। तो ये फॉर्मूला आ गया, जो आंसर नीचे की वायर के साथ आएगा एग्जैक्टली वही आंसर ऊपर की वायर के साथ भी आएगा। B1 B2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन देख लें, इसमें करंट लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ओ पॉइंट पे बी कैसे होगा, इनसाइड, लेफ्ट की तरफ है इनसाइड, इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है तो मेरी फिंगर्स फिर से कैसे जाएंगी, ओ पॉइंट में, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड ऐड होके ये रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। चेक कर लो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, जिसके न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाय 2 है ये वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा बाय 2 है, कौन सा ऑप्शन है, डी। डी मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो आइडिया क्लियर है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर मार्क करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क है, सिंपल है, 5 6 7 ये सब सिंपल किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नंबर 8 9 ये सब होमवर्क है, कुछ नहीं करना आपने इसमें, मीन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, शीट नंबर 25। इस शीट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है एम्पियर सर्किट लॉ का, पहले 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो पहले 3 क्वेश्चन के अंदर आप चेक करें, हमने लास्ट टाइम जाते हुए एम्पियर सर्किट लॉ का एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा डायग्राम था, अंदर भी करंट है, इसके बाहर करंट है, एक बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसके 3 पार्ट्स थे, एग्जैक्टली यही वो क्वेश्चन था, एक कोएक्सियल केबल है दैट कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए, ये रहा वायर ऑफ रेडियस ए, एंड आउटर सेंड्रिकल शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस बी एंड सी, तो आउटर रेडियस बी एंड सी, इनर के अंदर करंट आया है, आउटर के अंदर करंट आया है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक बाहर आ रहा है तो एक अंदर आ रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, एक्स लेस देन ए, यहाँ पे कहीं निकालना है, तो मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना, आपको हैंड रिटन शीट भी मिली है, उसका पहला पेज भी यही है,
आज जो हैंड रिटन शीट मिली है उसका चेक करो, पहला पेज भी यही क्वेश्चन सॉल्व है जो लास्ट टाइम हमने किया था। आज मिली है आपको? नहीं मिली, अभी मिल जाएगी। मिली है, अच्छा। तो ऐसी सेकेंड क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, सेकेंड भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि बी हमने निकाला था लेस देन ए पे, फिर हमने बी निकाला था ग्रेटर देन बी और लेस देन ए पे, और फिर हमने निकाला था ग्रेटर देन सी पे, कुछ ऐसा तीन पार्ट्स किए थे। तो पहले तीन क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या हमने ये फोर्थ क्वेश्चन किया हुआ है, आइडेंटिफाई कर सकते हो हाँ कि ना? किया हुआ है लग रहा है आपको? किया हुआ है? आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, आपके फॉर्मूला रजिस्टर में इसकी एंट्री हुई हुई है, चेक कर लो। अगर फॉर्मूला रजिस्टर है तो चेक करो, आपने एक फॉर्मूला भी किया हुआ है इसका। पिछले से पिछले लेक्चर में एक टॉपिक करवाया था, एक चार्ज डिस्क, अगर एक चार्ज डिस्क घूम रही है तो कितना बी जनरेट करेगी सेंटर पर, ये क्वेश्चन करवाया था। चार्ज डिस्क रिंग से बनी हुई थी, पहले रिंग को घुमाया था, करंट निकला था, उसका डीबी निकला था, एक रिंग का कंट्रीब्यूशन डीबी निकला था, फिर सभी रिंग्स का यानी कि डिस्क का आया था इंटीग्रेट करके, और चेक करो आपका आंसर कुछ ऐसा आया होगा, चेक कर लो। मैंने कहा था उतनी बड़ी इंटीग्रेशन कौन करेगा, आप शॉर्टकट ही नोट कर लो, आपका शॉर्टकट ये था। तो वही ये पूछ रहे बी का और आर का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये ग्राफ बनेगा। उस टाइम उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें बी मार्क करो, इस बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें बी और आर को मार्क करो। तो अगर आपने वो रिजल्ट याद किया हुआ है तो आपका ये भी आंसर सही है, आपका ये आंसर भी सही हो जाएगा। सही है यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये अभी नहीं करना, ये बुकलेट में आएगा तब करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना हमने, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो क्वेश्चन है कि आपके पास ना दो वायर्स हैं, ध्यान से देखो, दो वायर्स हैं, डॉट एंड डॉट, डॉट डॉट का मतलब करंट कहाँ आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो दो वायर्स हैं, एक में करंट बाहर आ रहा है, दूसरे में भी करंट बाहर आ रहा है, देख रहे हो करंट बाहर बाहर आ रहा है। दो वायर आमने सामने पड़ी हुई है, सबसे पहले अगर कोई पॉइंट सेंटर में है, ये मान लो वायर नंबर वन है, ये मान लो वायर नंबर टू है, आप बस मुझे ये बताओ ये जो B का मैग्नीट्यूड यहाँ लगाएगी इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर, वही मैग्नीट्यूड ये वायर भी इसके ऊपर लगाएगी, तो B की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगी, डायरेक्शन बोलो। इसमें करंट कहाँ है, बाहर, तो राइट हैंड थंब बाहर, B कैसे है, नीचे, तो B2 इसका मतलब कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड्स। फिर ऐसे इधर देखें, इसमें करंट कैसे है, बाहर, तो थंब बाहर, तो B कैसे है, ऊपर, ये रहा बी कैसे है, ऊपर। क्या स्टेप क्लियर है? तो एक वायर डाउनवर्ड बी जनरेट कर रही है, दूसरी अपवर्ड जनरेट कर रही है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बी वन बी टू एक दूसरे से कैंसिल, तो नेट भी क्या आएगा, जीरो। तो सेंटर के ऊपर नेट भी जीरो। तो दिख रहा है मुझे फर्स्ट डायग्राम के सेंटर पे बी जीरो है, कि ये एक्सिस बी शो कर रहा है, इसके अंदर भी बी जीरो है, इसके अंदर भी बी जीरो है, इसमें बी जीरो नहीं है, तो कम से कम ये आंसर तो नहीं हो सकता, कम से कम एक तो एलिमिनेट हुआ, तो आंसर ए बी सी में से होगा। देखो ना ये ग्राफ यहीं से चला गया, देखो सी टच नहीं कर रहा इसे। चलो अब ए बी सी की फिर से बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, कहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे, जो सेंटर पे नहीं है, राइट की तरफ है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वायर नंबर वन और वायर नंबर टू, जो वायर नंबर वन है वो बी कैसे जनरेट करेगी, इसमें ऊपर येलो P1, और वायर नंबर टू B कैसे जनरेट करेगी, करंट बाहर है नीचे, तो B2 कहां पर होगा, नीचे। सही है? लेकिन वन नंबर वायर से ये पॉइंट काफी दूर है,
टू नंबर वायर से ये पॉइंट काफ़ी पास है, तो टू नंबर वायर इसमें ज़्यादा बड़ा बी जनरेट करेगी एज कम्पेयर टू वन, तो बी टू इज ग्रेटर देन बी वन, तो नेट बी कहाँ आएगा? नीचे। तो नेट बी कहाँ आएगा? नीचे। ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये वाली वायर का इफेक्ट ज़्यादा है, ये वाली वायर से दूर है ये पॉइंट, तो इसका इफेक्ट कम है। तो बी टू बड़ा है बी वन से, नेट इफेक्ट नीचे। और उसी तरीके से अगर मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो इसकी वजह से बी वन ऊपर है, इसकी वजह से बी टू नीचे है हमेशा की तरह, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो बी वन बड़ा है, तो नेट इफेक्ट कहाँ है? ऊपर। सही। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेंट में मेरा आंसर ऊपर बनेगा और इस क्वाड्रेंट में मेरा आंसर नीचे बनेगा। चेक कर रहे हो, जैसा भी बनेगा बी इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू आर, पर बनेगा इसमें ऊपर, क्योंकि बी इसमें ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट यहाँ लेंगे नेट भी ऊपर की तरफ है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ लेंगे नेट भी नीचे की तरफ है, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो जो कि इसमें और इसमें देखा जा सकता है, इसमें तो नहीं देखा जा सकता, तो ये भी गया। तो एक ग्राफ और गया, क्योंकि ग्राफ एक आधे पोर्शन में ऊपर आधे पोर्शन में नीचे होना चाहिए, तो ये ग्राफ भी गया। नेक्स्ट लास्ट है, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो वन नंबर वायर एंड टू नंबर वायर, वन नंबर वायर का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा? नीचे, नीचे बी वन नीचे। टू नंबर वायर में भी करंट बाहर है, तो इसका इफेक्ट भी यहाँ पे क्या होगा? नीचे, नीचे, नीचे। तो ग्राफ कहाँ बनना चाहिए? नीचे, पर यहाँ कहाँ बना हुआ है? ऊपर, ये बनना चाहिए, तो आंसर आ गया। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, तो अगर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ग्राफ नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, जो कि यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ ऊपर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आंसर। तो कैसे हिट एंड ट्रायल देखने समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी किया हुआ है। आर्क वाली प्रॉब्लम्स हैं, हमने ऑलरेडी की हुई हैं, आर्क के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। है ना, ये अंदर इसके कुछ भी नहीं है, डराने के लिए बहुत है ये, और देखने में लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्या निकाल दिया उसने। देखो वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके इक्वल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, देखने में जैसे है उन्हें नहीं दो, कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड करंट एनक्लोज्ड इन द लूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये पता हो मैथ्स वालों को तो पता है, मेडिकल को एक बार देखना पड़ेगा इसमें क्या, कि अगर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल की। तो क्वेश्चन ये है कि करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, ये जो इमेजिन करो कि एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। अब सर मतलब ये जो लूप बनेगा, ये लूप क्यों बने, वैसे देर है लूप है, लूप का मतलब सर्कल ही तो होता है, जानबूझ के इक्वेशन दे रहे डराने के लिए, तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर एक सर्कल बनाएं उसके अंदर कितना करंट है ये बताएं, तो डायग्राम ये बनेगा। अगर मैं इसका सर्कल का डायग्राम बनाऊं तो ये सर्कुलर लूप है जो कि क्लोज पाथ है, इसके अंदर कितना करंट है ये मुझे निकालना है। तो ये अगर क्लोज पाथ है तो इसमें एम्पियर सर्किट लॉ अगर लगाएं तो बी इंटू टू पाई आर आएगा, और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इस क्लोज पाथ के अंदर कितना बी डॉट डी एल है वो कैसे निकलेगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई निकाल लेना, आंसर मार्क कर दो, कुछ है नहीं है। बी किसने कहा सर वो बी वेक्टर बड़ा सा गिवन है, देने दो, चाहिए ही नहीं है, बी वेक्टर चाहिए ही नहीं। तो क्लोज लूप चाहिए, उस क्लोज लूप के अंदर आई करंट है, तो आप सिंपली ये क्लोज लूप ले लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर से, इसके अंदर इमेजिन कर लें आई करंट है,
और फिर फाइनली बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट इंटू वाई करके यहाँ से आई निकाल लें आंसर। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट ये शीट वाला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी किया था, एक बार फिर से देखो। इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट जो है वो डॉट 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 इस तरीके से जा रहा है, चेक करो। तो ये शीट है, शीट में करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू गिवन है। तो करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू गिवन है। तो शीट का बी का फॉर्मूला चेक करके बताना है क्या था। म्यू नॉट बाई टू की जगह म्यू नॉट इंटू लैम्डा वन बाई टू, यही था जे बाई टू या लैम्डा वन बाई टू। लास्ट टाइम आप फॉर्मूला जिस पर चेक करेंगे तो यही फॉर्मूला था बी का। डायरेक्शन देखें, ये डॉट 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 है, करंट दोनों शीट में बाहर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर बी निकालना है तो करंट इसमें बाहर आ रहा है, तो थंब बाहर आ गया तो बी कैसे जाएगा लेफ्ट। थंब बाहर है, बी कैसे जाएगा लेफ्ट। तो ये शीट नंबर वन है, इसमें फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाई टू इंटू लैम्डा वन, और इसके अंदर करंट बाहर है, थंब बाहर है, तो बी इसमें भी कैसे जाएगा लेफ्ट। तो म्यू नॉट इंटू लैम्डा टू डिवाइडेड बाई टू, ऐसे दोनों भी लेफ्ट की तरफ हैं। तो नेट बी क्या आएगा, म्यू नॉट लैम्डा वन बाई टू, म्यू नॉट लैम्डा टू बाई टू के पीछे कौन सा कैप आएगा, माइनस आई कैप, क्योंकि राइट एक्स एक्सिस है, हमारा बी लेफ्ट है, तो माइनस आई कैप के साथ आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और सेम क्वेश्चन जब यहां किया जाएगा दोनों भी राइट आएंगे, आंसर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पीछे आई कैप के साथ आएगा। और इसके अंदर अगर देखेंगे तो एक भी लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा, तो बड़े में से छोटा माइनस जीरो मत बोलना, क्योंकि लैम्डा वन लैम्डा टू बराबर नहीं है, तो जीरो नहीं बोल सकते, तो आपको बोलना पड़ेगा बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि शीट की प्रॉब्लम कैसे आएगी। तो एक इकलौता यही क्वेश्चन है शीट का, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसे एक बार देखें क्या क्वेश्चन है। इमेजिन करें लाइट गई है कि एसी खराब है। देखो क्वेश्चन है, अ स्टेडी करंट आई फ्लोज अलोंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्वेश्चन भी करना ही इंपॉर्टेंट है, 8th। उस क्वेश्चन में इसका रिजल्ट लग रहा है एक्चुअल में, पहले ये रिजल्ट देखो। 8th क्वेश्चन है क्या, करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। एक पाइप है मेटल की बनी हुई, पाइप समझते हो, लॉन्ग पाइप है, उसकी बाउंड्री में करंट जा रहा है, अंदर खाली है पाइप। तो पूछ रहे हैं कि उसके अंदर अगर कोई पॉइंट है पी, वहां पर बी क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये सिलेंड्रिकल मान लो पाइप है, ये एक पाइप है, इस पाइप की बाउंड्री में आई करंट है, अंदर ये हॉलो है, हॉलो है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर बी, यहाँ पे बी क्या होगा, जीरो होगा। पाइप के अंदर अगर, पाइप की बाउंड्री में अगर आई करंट है, अंदर पक्का बी जीरो होगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? हाँ, अगर आप इसमें जहाँ पे बी निकालना है वहाँ पे क्लोज्ड पाथ ले लें, उस क्लोज्ड पाथ में क्या होगा,
बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इन टू आई, पर इस क्लोज पाथ के अंदर आई तो है ही नहीं, आई तो बाहर निकल गया, तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो शॉर्टकट रजिस्टर में एंट्री करो कि अगर ये पाइप है और ये हॉलो है, हॉलो पाइप के इनसाइड बी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो, भूलना नहीं है। ये रिजल्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, कहाँ, अगर एक शेल है, चार्ज शेल के अंदर किसी भी पॉइंट में ई क्या होता था, जीरो, सेम ही तो रिजल्ट है। बड़ी पाइप बना ले यार, क्या करेगा छोटी पाइप का, ऐसे तो गॉस थ्योरम में बाहर का चार्ज का भी आना चाहिए, फिर तो दुनिया मेरी ये तारे पड़ी हैं, इसकी भी ले ले फिर तो। हाँ फील्ड होती है, तो करंट एम्पियर सर्किट लो, तुम अगर सीधा बी बी देखोगे तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स फिगर में निकालता ही एसीएल है, तुम बायट सर्किट लगा तो पाओगे नहीं इसमें, तो एसीएल से आंसर जीरो है, जैसे गॉस थ्योरम से आंसर जीरो है। हाँ वैसे अगर तुमने समझना है तो गॉस थ्योरम में ये समझाते थे अंदर इसलिए शेल के ई जीरो है क्योंकि सारे चार्जेस सुपर पोजिशन से सारे ई को कैंसिल करते थे, इसके अंदर सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर समझना है तो, लेकिन वो फिर प्रूफ हमने करना नहीं है, वो एसीएल से डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो आपने तो बिल्कुल याद ही करना है कि पाइप के अंदर बी क्या होगा, जीरो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसे पढ़ो, इसमें पाइप भी है इसमें सोलेनोइड भी है, पाइप और सोलेनोइड दोनों के दोनों हैं। तो क्वेश्चन ये, अ स्टेडी करंट आई फ्लोज अलोंग इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। तो पहली लाइन क्या शो कर रही है कि आपके पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर कौन सा करंट है, आई करंट है ना, हॉलो सिलेंडर का मतलब पाइप ही तो होती है, तो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी बाउंड्री में आई करंट है। आगे, दिस सिलेंडर इज प्लेस कोएक्सियली इनसाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस 2r। जैसे आपके पास एक पाइप है, ये पाइप अंदर से खाली है, इसके आर पार आपने एक सोलेनोइड को रख लिया, तो सोलेनोइड लपेट दिया, एक वायर्स की वाइंडिंग ली ऐसे लपेट दी, तो अंदर पाइप में भी करंट है और सोलेनोइड के अंदर भी करंट है, तो दो दो चीज़ें हैं और एक्सिस दोनों का कॉमन है। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन अंदर से खाली है और ये लपेट रखा है इसके आसपास एक सोलेनोइड, गोल गोल ऐसा, लेकिन क्रॉस सेक्शन सोलेनोइड का क्या दिखेगा, सर्कल ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ अगर मैं कोई पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे लेता हूं, यानी कि पाइप के अंदर, तो क्या बी जीरो होगा दोनों की वजह से या नॉन जीरो होगा। अच्छा एक एक करके, अगर मैंने कोई पॉइंट कहां लिया, यहां ले लिया, मान लो इस यहां पे ले लिया, तो बताओ पाइप इसके ऊपर कितना बी लगाएगी, जीरो, क्योंकि पाइप के अंदर अगर करंट है, पाइप के अंदर कोई पॉइंट है तो पाइप का अंदर के पॉइंट पे पाइप फील्ड नहीं लगाएगी, सोलेनोइड तो लगाएगा, सोलेनोइड के अंदर बी होता है भाई, एक्सिस पे होता है उसकी, पूरा अंदर लाइन ही लाइन जा रही होती है सोलेनोइड के, सोलेनोइड यहां पर बी लगाएगा लेकिन पाइप नहीं लगाएगी, तो आंसर कुछ तो बी होगा, नॉन जीरो बी होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 देखना, ऑप्शन नंबर 1 है इन रीजन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि पाइप नहीं लगाएगी लेकिन सोलेनोइड तो लगाएगा। लेकिन अगर तुम कोई पॉइंट स्मॉल आर ग्रेटर देन 2r पे लेते हो, बाहर लेते हो, यहां पे लेते हो, अब सोलेनोइड बाहर बी नेग्लिजिबल लगाता है, लास्ट टाइम किया था, सोलेनोइड के बाहर तो बी होता नहीं लेकिन पाइप की वजह से तो होगा, तो पाइप तो लगाएगी क्योंकि पाइप के अंदर भी बी जीरो, पाइप के बाहर भी, तो पाइप लगाएगी नहीं, इसका मतलब पाइप बाहर तो लगाएगी, तो अगर कोई पॉइंट दोनों फिगर के बाहर है तो वहां भी आंसर नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 2r पे मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, अब पाइप लगाएगी, अब सोलेनोइड नेग्लिजिबल फील्ड लगाएगा, तो दोनों रीजन में आंसर क्या होगा, नॉन जीरो। तो समझ में आ रहा है नॉन जीरो क्यों होगा और रिजल्ट कैसे लगेगा, पाइप के अंदर बी जीरो है पर सोलेनोइड लगा देगा, बाहर सोलेनोइड का जीरो हो जाएगा, पाइप की वजह से लग जाएगा, तो दो आंसर मैच कर सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट है, इसमें ये भी गिवन है कि टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पाइप के अंदर अगर आप बी निकालें तो वो टेंजेंशियल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर बी एक्सिस के अलोंग होते हैं हमेशा। लास्ट टाइम किया था, सोलेनोइड का बी गोल थोड़ी ना होता है, टेंजेंट थोड़ी ना होता है, वो तो एक्सिस के साथ जाता है जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी, तो टेंजेंशियल आंसर तो वैसे भी हो नहीं सकता, बी और सी आंसर नहीं होंगे इसमें। ठीक है यहाँ तक? ठीक है।